संगीत की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वह है स्वर। संगीत में स्वर का बड़ा महत्व है। स्वर क्या है इसको आज हम भली प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक कोलाहल या शोर और दूसरी होती है नाद। कोलाहल या शोर अर्थात जो ध्वनि कानों को अच्छी न लगे, कानों को खराब लगे, ऐसी ध्वनि कोलाहल कहलाती है, शोर कहलाती है। और एक दूसरी ध्वनि होती है जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे और कानों को अच्छी लगे अर्थात मधुर ध्वनि, उसको हम कहते हैं नाद। अर्थात ध्वनि दो प्रकार की, शोर और नाद। संगीत में शोर का कोई भी उपयोग, कोई भी महत्व नहीं है, संगीत में नाद का महत्व है। अर्थात जो ध्वनि कानों को अच्छी लगे, मधुर लगे, ऐसी ध्वनि नाद कहलाती है। 22 श्रुतियाँ होती हैं और उन 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियाँ ली गई हैं, 7 मुख्य नाद ली गई हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात संगीत में नित्य काम में आने वाले निश्चित अंतरों पर स्थित जो मुख्य 7 नाद होते हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, शुद्ध स्वर और एक होता है विकृत स्वर। अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाने वाले स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। ये शुद्ध स्वर 7 हैं, सा रे गा मा धा नी, ये 7 स्वर हैं। इनको हम संक्षेप में बोलते हैं, इनके जो पूरे नाम हैं, कई बार हम संगीत में सारे गामा पाधानी ये स्वर हैं, लेकिन इनके जो मुख्य नाम हैं उसकी हमें जानकारी नहीं रहती, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सा अर्थात इसका पूरा नाम है सरज, जो रे है उसको उसका पूरा नाम है ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम, धा धैवत और नी निषाद, ये 7 नाम हैं। संक्षेप में हम सारे गामा पाधा नी बोलते हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि साहब सारे गामा पाधा नी सा हम लोग बोलते हैं तो ये तो 8 स्वर हो गए। स्वर 7 ही होते हैं। जो अगला सा हम बोलते हैं वो अगले तार सप्तक का चला जाता है, जब सप्तक पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। शुद्ध स्वर ये 7 ही होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हो गए। अब शुद्ध स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक चल और एक अचल, चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर का अर्थ है, चल का अर्थ होता है चलना, अपने स्थान से हटना। चल स्वर का अर्थ है जो स्वर अपने निश्चित स्थान से हट भी सकते हैं, ऐसे स्वर चल स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से हट भी सकते हैं ऐसे स्वर चल स्वर कहलाते हैं। इन चल स्वरों की संख्या 5 होती है, रे गा मा धा नी। दूसरे प्रकार के हैं ये अचल स्वर। शुद्ध स्वरों में चल स्वर और एक होता है अचल स्वर। अचल स्वर 2 होते हैं। अचल का अर्थ है अडिग, अर्थात अपने स्थान पर अडिग रहना। जो स्वर अपने स्थान से कभी नहीं हटते ऐसे स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। ये 2 स्वर हैं, सा और पा। ये सा और पा अपने स्थान से कभी नहीं हटते। इस प्रकार ये शुद्ध स्वरों की व्याख्या आपके समक्ष रखी। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा, जो स्वर के जो 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत। शुद्ध स्वर का आपने समझ लिया, शुद्ध स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, चल और अचल। अब हम बात करते हैं विकृत स्वरों की। विकृत स्वर अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से पूर्णतया हट जाते हैं। अभी हमने चल स्वर सीखा था, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से हट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं विकृत स्वर अपने निश्चित स्थान से पूर्णतया हट जाते हैं, ऐसे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं।
विकृत कहते हैं अर्थात बिगड़ा हुआ रूप, जो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, हट जाते हैं। ये विकृत स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, तीव्र स्वर और दूसरा कोमल स्वर। तीव्र स्वर का अर्थ है जो स्वर, अब जो स्वर अपने स्थान से हटते हैं वो विकृत स्वर हो गए। अब हटते भी दो तरह से हैं, एक तो अपने स्थान से ऊपर और एक अपने स्थान से नीचे। तो जो स्वर अपने स्थान से कुछ ऊपर हट करके गाए बजाए जाते हैं, अपने निश्चित स्थान से ऊपर हट करके गाए बजाए जाते हैं, ऐसे स्वर तीव्र स्वर कहलाते हैं। और ये तीव्र स्वर है केवल एक, और वो है माँ। माँ तीव्र स्वर होता है, इसकी पहचान के लिए ऊपर एक खड़ी पाई, खड़ी रेखा इस तरह से डाल देते हैं। तो ये स्वर की पहचान है, ये तीव्र स्वर है। ध्यान रखें, तीव्र स्वर केवल एक है और वो है माँ। ये अपने निश्चित जो माँ स्वर है उससे ऊपर हट करके गाया बजाया जाता है। दूसरे हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर का अर्थ है जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे हट करके गाए बजाए जाते हों, ऐसे स्वर कोमल स्वर कहलाते हैं। कोमल स्वरों की संख्या चार है, रे गा धा नी। ये चारों स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे हट करके गाए बजाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। ये पूरे स्वरों की संरचना है। इस स्वरों को, इसकी पहचान के लिए स्वर के नीचे पड़ी हुई एक रेखा लगा देते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये कोमल स्वर कहलाते हैं। अर्थात आपकी समझ में आ गया कि स्वर जो होते हैं नित्य काम, संगीत में नित्य काम में आने वाले निश्चित अंतरों पर स्थित जो मुख्य सात नाद हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और एक विकृत स्वर। शुद्ध स्वर दो प्रकार के होते हैं, चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर अपने निश्चित स्थान से हट भी सकते हैं, ऐसे स्वर चल स्वर कहलाते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कभी नहीं हटते वो अचल स्वर कहलाते हैं। दूसरा विकृत है। विकृत स्वर भी दो प्रकार के मैंने बताए। विकृत का अर्थ अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से हट करके गाए बजाए जाते हों, ऊपर या नीचे, ऐसे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर दो प्रकार के मैंने बताए, तीव्र स्वर और कोमल स्वर। तीव्र स्वर अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर हट करके गाए बजाए जाते हैं वो तीव्र स्वर कहलाते हैं। तीव्र स्वर सिर्फ एक है, माँ। कोमल स्वर जो स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे हट करके गाए बजाए जाते हैं वे स्वर कोमल कहलाते हैं। कोमल स्वर चार हैं, रे गा धा नी। इस प्रकार कई बार हमने पढ़ा होगा 12 स्वरों के बारे में। तो शुद्ध स्वर मैंने बताया आपको, शुद्ध स्वर होते हैं 7, और विकृत स्वर कितने होते हैं ये हमने पढ़े 5। तो कुल स्वर अगर हम इनको जोड़ दें तो 12 स्वर, कई बार हम पढ़ते होंगे 12 स्वर, तो ये 12 स्वर इस प्रकार माने जाते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग 14 स्वरों की बात करते हैं, जो अचल स्वर हैं इनको भी सा और पा को भी इसी में जोड़ देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 12 स्वर कई बार माने जाते हैं। तो इस प्रकार होते हैं शुद्ध स्वर 7 और 5 विकृत स्वर, कुल मिला के ये 12 स्वरों की गणना मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, संगीत में मुख्य 7 ही स्वर हैं जो हमारे संगीत में काम आते हैं, 8वां कोई स्वर संगीत में दूसरा नहीं है। ये मैंने आपको आज स्वरों के संबंध में समझाया। अगली बार फिर हम अगले विषय की बात करेंगे। धन्यवाद।